डैड, व्हाट इज गूज़बम्प्स? गूज़बम्प्स? कम विद मी. श्योर, बट व्हाई डैड? इज इट ट्रू? इज दिस रियली द एंड फॉर यू सेइंग एंड फॉर अस? लूफी वा काइज़ोकू नी नारु ओतोगु. हियर इट कम्स. और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद गियर 5 लूफी वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की लड़ाई भी अब खत्म हो जाएगी. पहले ड्रैगन बॉल की गोकू देखे तो गोकू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है, जिसे हम एलियन भी कह सकते हैं, जो कि बचपन में अर्थ पर आके रहने लग गया था. जिस तरह उसने पूरा बचपन मार्शल आर्ट्स और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में बिताया, लेकिन फिर ड्रैगन बॉल जी में हमें गोकू वर्सेस फ्रीजा की लड़ाई में पहली बार गोकू को सुपर सेन बनते हुए देखते हैं. जिस तरह ये भी बोला जाता है हर सुपर सेन में गोकू की पावर 10 टाइम ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसे सुपर सेन में 50 टाइम ज्यादा पावरफुल, सुपर सेन 2 में 100 और सुपर सेन 3 में 200 और उसकी की पावर जैसे कामयाबी भी और शो हो जाता है. लेकिन हम किसी भी ऐसे नंबर को देख के क्यों ही माने ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम देखते हैं उसके एक्टर के आसपास डिस्ट्रक्शन कितना हो रहा है. कोई भी मांगा आर्टिस्ट हमेशा उसके बैकग्राउंड को इस तरीके से बनाता है कि उस जगह पर कैरेक्टर्स होंगे तो वो कितने आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे. तो जैसे गोकू को देखे तो तुमने देखा होगा गोकू को हमेशा खाली जगह पे या कोई खाली आइलैंड या अलग प्लेनेट या आसमान में लड़ते हुए दिखाया गया. और जब कभी भी गोकू सुपर सेन बन रहा है तो उसके आसपास की पूरी जगह शेक करती है. वही जहाँ भी लड़ते हैं वहाँ कई सारे पहाड़ डिस्ट्रॉय होते हुए हमें दिखते हैं. और जिसने ड्रैगन बॉल का कोई भी गेम खेला होगा तो तुम लोगों ने उसमें भी यही सेम चीज ऑब्जर्व भी करी होगी. गोकू की पावर प्लेनेटरी है, यानी गोकू प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सब इसका प्रूफ भी मांगते हैं और बोलते हैं गोकू को प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते हुए हमने नहीं देखा, तो हम गोकू को प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की कैपेबल कैसे माने? शायद तुम लोगों को याद नहीं, फ्रीजा ने अपने बेस फॉर्म में प्लेनेट वेजिटा पे सुपरनोवा अटैक करा था, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है. पर गोकू ने फ्रीजा की गोल्ड फॉर्म, जो कि उसका कई टाइम ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, उसको भी अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में हरा रखा है और कूलर का सुपरनोवा भी अपने हाथों से रोक रखा है. वहीं मेका फ्रीजा ने जब अपना सुपरनोवा करा था तो रंग से उसका सुपरनोवा आराम से रोक लिया था. वहीं गोकू का सुपर सेन को देखे तो उसका इन सबसे कोई मैच ही नहीं. और तुम गोड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेरस को देख लो, बेरस सोते सोते प्लेनेट को छोटा कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी उसके बस एक छोटे ब्लास्ट से. वहीं गोकू अपने सुपर सेन 2 वाले फॉर्म में बेरस के वर्ल्ड ऑफ स्पेयर को अपने हाथों से रोक लेता है. तो यानी यहाँ पे क्लियर है गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने से पहले गोकू की पावर प्लेनेटरी थी. और वहीं दूसरी तरफ लूफी एक ह्यूमन है, जिसने नॉन रेयर फ्रूट खाया है, जिसकी मदद से वो लवर में बदल गया है, जिसमें लूफी के गियर्स उसे पावर देते हैं. और हर गियर लूफी को अलग अलग तरीके से पावर देता है, जैसे गियर सेकंड से स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें भी कई रिस्क आते हैं. और गियर थर्ड से लूफी अपने दोनों हाथों को बड़ा करके दूसरों को आसानी से मार देता है. लूफी के गियर 4 में लूफी एक हाकी की मदद से अपनी कई सारी हाकी यूज करके एक बाउंसमैन की तरह बन जाता है, जिससे उड़ भी पाता है. और इसका दूसरा फॉर्म भी है जो कि स्नेक मैन, जो कि लूफी के सब गियर्स टॉम एंड जेरी से इंस्पायर्ड है. गियर 4 में लूफी वर्सेस तो फ्लेमिंग की लड़ाई में लूफी ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करा था, तो तब लूफी ने इतनी बिल्डिंग और जगह डिस्ट्रॉय करी कि हम कह सकते हैं लूफी अभी तक तो एक छोटा आइलैंड को डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता है. हम लूफी को लो कॉन्टिनेंटल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कैरेक्टर्स है लूफी अगर लड़ता है उसके आसपास के एनवायरमेंट पे असर पड़ता है, तो हम लूफी को एक बार कॉन्टिनेंट लेवल भी मान सकते हैं. जैसे गोल्ड इरोजन और व्हाइट बेल्ट की तलवार टकराने से पहले इतना डैमेज हुआ और शैंक्स और व्हाइट बेल्ट की तलवार से आसमान के दो हिस्से हो गए. ऐसे ही अगर लूफी की पावर कॉन्टिनेंटल होती तो लूफी अपने दुश्मन के साथ साथ उस आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय करता. पर ऐसा 107 एपिसोड आने तक था. गियर 5 के आने के बाद थिंग्स चेंज. अब लूफी गियर 5 में बदल के अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है और रबर में बदल सकता है. और गियर 5 में लूफी बड़ा भी हो सकता है, अपने अपोनेंट के कहीं भी हाथ डाल सकता है, उसकी आंखें बाहर निकाल सकता है, जो भी हम सोचते हैं लूफी अब वो कर सकता है. बट इसके दो ड्रॉबैक्स है. पहला, लूफी की पावर उसकी इमेजिनेशन से है, जिसमें उसके पास लिमिटेड इमेजिनेशन है. और दूसरा, लूफी ज्यादा देर तक अपने इस फॉर्म में नहीं रह सकता. पर इस पॉइंट को तो हम एक बार को मान सकते हैं कि गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता. तो इस पॉइंट को छोड़ के हम मान सकते हैं लूफी के पास इनफाइनाइट पावर और एबिलिटीज है. दूसरी तरफ गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एक काम स्टेट में होकर लड़ता है, जिसके पास इंसेन रिफ्लेक्सेस और मार्शल आर्ट टेक्निक्स है. और अब तुम दोनों पॉइंट को देखो, गोकू एक सीरियस फाइट लड़ता है, दूसरी तरफ लूफी सबको हंसाता भी है और टॉम एंड जेरी की तरह कार्टून बन के लड़ता भी है, या जिसे हम गैग कैरेक्टर भी फिलहाल के लिए कह सकते, लेकिन बस इस मोड के लिए. और ये बात सच है कि लूफी अपनी बॉडी को कैसे भी करके गोकू को मार सकता है और आसपास की चीजों को लेवल में बदल भी सकता है. पर इसके काउंटर में गोकू उड़ भी सकता है. और वैसे भी जिधर गोकू की फाइट होती है तो वो रीन आज तक बची ही कब है, तो फिर अपना लूफी है और गोकू लूफी की लड़ाई होगी भी तो तुम लोग ड्रैगन बॉल का गोकू वर्सेस किड बू वाला एपिसोड देख के समझ सकते हो, जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाती है. और उस टाइम पे भी गोकू के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किड बू से लड़े, लेकिन तब भी गोकू को लड़ने में मजा आ रहा है. तभी वेजिटा भी बोलता है, Now, this day has made it all too clear. You're better than me, Kakarot. You are the best.
या फिर इनकी लड़ाई गोकू वर्सेस आयली की लड़ाई की तरह होगी, जिसमें आना लूफी के गियर 5 की तरह सब कुछ कर सकती है। गोकू एक वॉरियर है, उसे बस पावरफुल अपोनेंट से लड़के स्ट्रॉन्ग बनना है। गोकू को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने में मजा आता है, इसको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, पर जब भी उसके दोस्तों को कुछ भी होता है गोकू उसके लिए खड़ा होता है। वहीं अपना लूफी भी कम नहीं है, लूफी सबको हंसाता है, सबको साथ लेके भी चलता है। जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती है लूफी भी हमेशा उसके लिए खड़ा होता है। लूफी एक यूथ की तरह जिसके पास एम्बिशन है जो कि पायरेट किंग बनना, न उससे ज्यादा न उससे कम। ना ही लूफी कभी भी गोकू से लड़ेगा, ना ही गोकू लूफी से। और सब इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि एल्ट्रेन शिप गियर 5 में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा बढ़िया है। तो भाई यार मेरे से पूछो तो, मैं ड्रैगन बॉल सुपर का जब एल्ट्रेन शिप वाला एपिसोड आया था मैंने तभी वो एपिसोड देखा था, एनीमे कंटिन्यूअस उस टाइम पे ड्रैगन बॉल सुपर देखता था। और तुम लोगों ने मेरी वन पीस की रिसेंट वीडियोस भी देखी होगी, तो एनीमे एल्ट्रेन शिप वाला एपिसोड और गियर 5 दोनों देखे तो शायद तुम लोग मेरा ओपिनियन भी सुनना चाहोगे, जिसने दोनों सीरीज शुरू से ही देखी। तो यार मेरे ओपिनियन एल्ट्रेन शिप देखने में ज्यादा सही दिखता है, यानी लुक वाइज देखे तो। बाकी गियर 5 स्टोरी वाइज ज्यादा बढ़िया है, यानी जैसे ओडा ने हमें शुरू से वन पीस में बता के रखा है कोई आएगा जो पायरेट किंग तक को पास कर देगा, और कोई आएगा जो लैंड ऑफ वानो को भी हमेशा के लिए फ्री कर देगा। और यार कसम से बता रहा हूँ, ओडा ने जो सेटअप बैठाया है कि जो ही वो 800 साल बाद वापस आ गया है, वो भी ऐसी ड्रम्स ऑफ रिग्रेशन के साथ। ऐसे में मेरी तरफ से हैट्स ऑफ टू योडा। और यहाँ पे वन पीस के एपिसोड को मैं ड्रैगन बॉल से ऊपर रखूंगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कार्टूनिस्ट की तरह लूफी लड़ता है उस मामले में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली लड़ाई की सीरियसनेस की वजह से मैं उसको गियर 5 से ऊपर रखूंगा। और ध्यान देना, लेकिन स्टोरी वाइज गियर 5 इज मोर इम्पोर्टेंट देन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और एक बात से तो हम एग्री कर सकते हैं, ड्रैगन बॉल के क्रिएटोरिया में से इचिरो ओडा इंस्पायर्ड हुए, और ओडा ने कई बार ओरियामा को सेंसेई बोल के तारीफ भी की है। और वन पीस के 107 एपिसोड के बाद ये प्रूव हो जाता है कि अब स्टूडेंट टीचर से आगे निकल गया। और जब गोकू टीवी पे था तब ओडा उसे घर पे बैठ के देख रहा था, और अब लूफी टीवी पे या कहें कि वन पीस को आज ड्रैगन बॉल सी वाला प्यार मिल रहा है, तो ओरियामा सेंसेई की जगह इस इमेज में हमें सही दिखा रखा है। आज ओरियामा सेंसेई के बजाय गोकू घर पे बैठ के आराम से लूफी को टीवी पे देख रहा है और मजे कर रहा है। और वैसे भी अगर ड्रैगन बॉल ना होता तो आज वन पीस में हमें देखने को ना मिलता, तो जब इनके मांगा आर्टिस्ट और कैरेक्टर्स आपस में कभी नहीं लड़ सकते, हम कौन होते इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइड करने वाले। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है।